यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त गेम प्ले वीडियो में। ये हमेशा मेरे इंट्रो में कुछ पोपट कैसा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब लाल कलर का बटन नहीं, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको घंटी भी दबा देने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि भाई लोग सेटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट आ रहे हैं, और दोस्तों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें एक बहुत ही ज़्यादा वाली मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसका कोई अपडेट भी नहीं कि मतलब कब क्या कन्फर्म हो जाए। जैसे देखो कोई कार आनी होती है तो कह देते हैं कि कार्स अपडेट में आ जाएगी, कोई ट्रैक्टर आना होता तो ट्रैक्टर अपडेट में आ जाएगा, कोई टोचन मोड में अपडेट आना होता कि टोचन मोड में आ जाएगा, जैसे कि फार्मिंग मोड में कुछ आना होगा तो फार्मिंग मोड में आ जाएगा, तो उसी टाइप से दोस्तों। लेकिन ये कन्फर्म नहीं रहता सेटिंग्स का कि भाई मतलब सेटिंग्स कौन से अपडेट में आएंगी। तो दोस्तों इसी वजह से तो भाई मैं पूरा सीन मतलब सारा कुछ ए टू जेड बताऊँगा कि भाई मतलब कैसे कब क्या सीन रहेगा, और दोस्तों बताऊंगा कि कब कहां क्या कमी है आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से। तो दोस्तों पहले चलते हैं अपन कस्टमाइज्ड ऑप्शन में। यहां पर आपको जाकर एक कॉन्फिग ऑप्शन में जाओगे तो यहां पर आपको ऑटो ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप बंद कर दोगे ना, टिक हटा दोगे, ठीक है, जहाँ से मैंने टिक हटाया, तो यहाँ पर आपको गियर अप गियर डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस समय ट्रैक्टर है तीसरे गियर में और ये लग गया टॉप, ठीक है, चौथे गियर में हो गया। देख सकते हैं कितना मद्दा उठ रहा है, क्योंकि दोस्तों टॉर्क ही नहीं बन पा रहा है, और यदि मैं अभी पहले गियर में कर दूँ इसे तो अभी टॉर्क क्रिएट हो गया। देखो मतलब यह गियर का भी फर्क है मतलब ट्रैक्टर में कि मतलब तेज चलना है फिर मद्दा चलना है। लेकिन यदि भागते हुए मैं टॉप गियर हो गए तो दोस्तों मतलब एकदम तकड़ी स्पीड पर भागेगा, जैसे कि देखो पहले गियर में भागा के देखते हैं पहले। तो दोस्तों कहने मतलब ये है मेरा कि ये वर्केबल है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ऐसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। देख सकते हैं सिर्फ 60-62 इतना जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जाएगा पहले गियर में, ठीक है। डायरेक्ट टॉप लगाते हैं, देखो अब टॉप गियर की स्पीड चेक करना। ये दोस्तों सब में गियरों के हिसाब से, लेकिन इतना टाइम नहीं कि अपन सब गियरों की स्पीड दिखाएं। लेकिन ये देखो दोस्तों यहाँ भी मतलब ढंग से वो नहीं बनना बूस्ट, देख सकते हैं अपन, देखो कितने पे गया, 85 पर, अब भी दब रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, 90 पे गया लास्ट। तो दोस्तों कहने मतलब गियर तो है बरके वाला। ऊपर से अब बात आती है दोस्तों सेटिंग्स में डिमांड आती है कि भाई गियर बॉक्स की कि भाई हाई लो करो। तो दोस्तों ये मैं भी चाहता हूँ कि भाई हाई लो हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसी एकदम घर जैसी, बहुत ही जल्द हाई लो हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्द कर देंगे हाई लो, ठीक है। अब आती दूसरी सेटिंग्स की बात, जैसे कि दोस्तों अपन ने मतलब ये लिया, ठीक है, मतलब ये वाला ट्रैक्टर नहीं, इस पर एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, जॉनडियर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जॉनडियर ले लिया। अब जॉनडियर में अपन चाहते हैं टायर बदलना, ठीक है। अब यदि अपन इसमें ये वाले व्हील गियर में आ गए, जैसे कि ये, ठीक है, ब्लैक नहीं वाइट गियर पे वाइट रिम में, और दोस्तों बैक रिम में ये वाले गियर देते हैं ये वाले, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अजीब लग रहा है। यदि इसमें ही येलो रिम हो जाए तो दोस्तों एकदम मस्त वाला लुक आएगा इसका, तो समझ सकते हैं मतलब कैसा लुक रहेगा। तो इसी वजह से दोस्तों मैं मेरा समझाने का मतलब ये है कि भाई आप लोग जो व्हील चेंजिंग ऑप्शन के मतलब व्हील कलर चेंजिंग ऑप्शन का जो कमेंट कर रहे हो वो दोस्तों आप एकदम सही है, मतलब उसकी कोई वजह फील होती तभी आप लोग करते हो। तो इसी वजह से मैं सारी सेटिंग्स के कमेंट्स देखता हूँ। तो दोस्तों एक ये सेटिंग्स पक्की हो गई, दो सेटिंग्स पक्की, और थर्ड दोस्तों आज आप सभी को कमेंट सेक्शन में बतानी है कि भाई थर्ड सेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब थर्ड सेटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि देखो दोस्तों अब अपन ने मतलब इसका कलर ब्लैक कर दिया, तो दोस्तों अब इसे कोई ज़रूरत नहीं है मतलब ये वाले ये करने की, कहना मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें अब येलो रिम हो मतलब येलो रिम करने पड़े। लेकिन दोस्तों यदि ग्रीन कलर में यदि आप चलाना चाहते हो तो दोस्तों तब तक आप येलो रिम नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला, या फिर टोटली ब्लैक कर दो, मतलब ब्लैक ही रिम डाल दो। लेकिन ब्लैक का एक अलग ही लुक बनेगा और दोस्तों इसका एक अलग ही बनेगा, हर चीज़ का लुक एकदम अलग ही बनेगा। जैसे कि देखो ये पूरा ब्लैक हो गया इस समय, बिल्कुल टोटली ब्लैक, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आज की वीडियो में यही सेटिंग्स के बारे में डिस्कशन था। तो दोस्तों बताना आप सभी को थर्ड सेटिंग के बारे में कि थर्ड सेटिंग क्या होनी चाहिए। अभी तक ये